अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हो? रमज़ान मुबारक। और आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड पकोड़ा। कैसे बनते हैं आज हम आपसे बताते हैं। फर्स्ट हमें ब्रेड लेना है और ग्लास की मदद से इस तरह से कट लगा देना है। राउंड राउंड पीसेस निकाल लेना है। ये देखिए, और इसको साइड में रख देना है। इस तरह से हम लगा रहे हैं। आपको पसंद हो तो गोल बनाइए या आप किसी भी शेप में बना सकते हैं। कुछ इस तरह से हम 10 पीस लिए ब्रेड और इसको बना लिए इस तरह से। और एक बर्तन लेना है, उस पर बेसन ऐड करते हैं 2 कप। फिर इस पर नमक 1/2 चम्मच हम डाले हैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर। फिर इस पर 1 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट डालें। फिर इस पर कुछ हरा धनिया पत्ता इसको कट करके डालें और 1/2 चम्मच से कम बेकिंग सोडा डालें और इसको मिक्स किए। 1 कप पानी डालें और इसको मिक्स किए। फिर और थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स करना है। कुछ इस तरह से हम बीट कर रहे हैं, ये देखिए। फिर हम ऑयल गरम किए हैं इस तरफ कढ़ाई में, चेक कर लेते हैं ड्रॉप डाल के। ये देखिए, हमारा ऑयल भी गरम हो चुका है, यानी तेल गरम हो चुका है। इस पर फ्राई करेंगे ब्रेड पकोड़ा इस तरह से। देखिए, गैस का फ्लेम थोड़ा मीडियम रखना है और इस तरह से डिप करते हुआ फ्राई कर लेना है ब्रेड को। एक साथ हम 5 पीस फ्राई कर रहे हैं। 2 से 3 मिनट फ्राई होने के बाद इसको पलट देना है इस तरह से। एक साइड का लाल होने के बाद, गोल्डन ब्राउन कलर होने के बाद इसको पलटना है। दूसरी साइड भी 2 मिनट के बाद फ्राई हो जाता है। ये देखिए, अब तैयार है। हम इसको छान लेते हैं इस तरह से। बहुत ही टेस्टी बना है और आप देखकर भी जान सकते होंगे और बनाएंगे। बहुत ही इजी, सिंपल और टेस्टी ब्रेड पकोड़ा। आपको कैसा लगा हमें बताइए, आपको पसंद आया या नहीं। कमेंट बॉक्स है आपका सजेस्ट देने के लिए। और ये देखिए, हम मिर्ची को 3 से 4 इसको भी फ्राई कर लेते हैं। बस गैस का फ्लेम ऑफ किए, अब तैयार है हमारा ब्रेड पकोड़ा। ये देखिए, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ऑल टाइम के लिए। अल्लाह हाफिज़।